एशली गार्डनर ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर यानी हरफन मौला की भूमिका निभाती हैं। इन्होंने फरवरी 2017 से अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। इनका पूरा नाम एशली कैथरीन गार्डन है और इनका जन्म 15 अप्रैल 1997 कोगार्थ न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इनके पिता का नाम जिम गार्डनर और इनकी माता का नाम कैथरीन गार्डनर है और इनके भाई का नाम आरोन गार्डनर है। एशली गार्डनर दाएं हाथ की बैटर और दाएं हाथ की ऑफ स्पिन बॉलर है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक ऑलराउंडर की होती है और इनका जर्सी नंबर है 63। एशली गार्डनर की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 44। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 17 फरवरी 2017 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला और वनडे में इनकी कैप नंबर है 134। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 2 मार्च 2017 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला और टेस्ट में इनकी कैप नंबर है 174। इन्होंने अपना पहला टेस्ट इंटरनेशनल मैच 17 जुलाई 2019 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला। और एशली गार्डनर डोमेस्टिक लेवल यानी घरेलू स्तर पर 2015 से न्यू साउथ वेल्स, WBBL सिडनी सिक्सर्स, नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट और 2017 से साउथ ऑस्ट्रेलिया टीम से खेलती हैं। एशली गार्डन को बचपन से ही क्रिकेट खेलना पसंद था। इन्होंने पिकनिक पॉइंट हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और 2014-15 के एम्पायर कप के दौरान शानदार प्रदर्शन के बाद 2015-16 सीजन में न्यू साउथ वेल्स के लिए अपने डोमेस्टिक क्रिकेट WNCL की शुरुआत की और फिर एशली गार्डन को न्यूजीलैंड के खिलाफ 2016-17 की T20I सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में नामित किया गया और 17 फरवरी 2017 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 2020 अंतर्राष्ट्रीय की शुरुआत की और इस सीरीज में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विकेट भी लिया। और 2016-17 रोज बाउल श्रृंखला में एशली गार्डनर ने 2 मार्च 2017 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय की भी शुरुआत की जिसमें इन्होंने अपनी टीम के लिए 4 विकेट लिए और बल्ले से नाबाद 12 रन बनाए। फिर 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप में 8 विकेट लिए और एशली गार्डनर ने 2017-18 महिला एशेज में पहले ODI में बल्ले से 17 गेंदों में 27 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया और अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला ODI और T20I अर्धशतक बनाया और 2018 महिला विश्व 2020 टूर्नामेंट में 6 मैचों में 10 विकेट लिए और एक मैच में 22 रन देकर 3 विकेट लिए और नॉट आउट 32 रन भी बनाए और इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फिर एशली गार्डन ने 2019 महिला एशेज में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ कैथरीन ब्रंट को 15 रन पर आउट करके अपना पहला टेस्ट विकेट लिया। फिर 8 फरवरी 2020 को भारत के खिलाफ त्रिकोणीय राज श्रृंखला मैच में एशली गार्डन ने 57 गेंदों पर 93 रन बनाते हुए अपना उच्चतम T20I स्कोर दर्ज किया और 2020 ICC महिला T20 विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 9 गेंदों में नाबाद 22 रन की पारी खेली और टूर्नामेंट के फाइनल में विजय कैच पकड़ा और ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप दिलाई और भारत के खिलाफ 2020-21 में अपना पहला टेस्ट अर्धशतक लगाया। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच के दौरान 18 गेंदों में नाबाद 48 रनों की प्रभावशाली पारी खेली, साथ में 15 रन देकर 3 विकेट भी लिए और 2022 कॉमनवेल्थ खेलों में T20 टूर्नामेंट में एशली गार्डन ने भारत के खिलाफ एक मैच में 35 गेंदों में नाबाद 52 रन बनाए और फाइनल मैच में भारत के खिलाफ ही 15 गेंदों में 25 रन बनाकर अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम कामना करते हैं कि एशली गार्डन ऐसे ही क्रिकेट खेलती रहें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।